महादलित परिसंघ के तत्वाधान में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एमजी रोड स्थित बाल्मीक वाटिका में आहूत हुई प्रेस वार्ता के दौरान महादलित परिसंघ के ब्रज क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आगरा जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। जनपद आगरा में संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से आजाद सिंह बाल्मीक को जिला अध्यक्ष का पदभार सौंपते हुए मनोनीत पत्र देते हुए अन्य पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपने का कार्य किया गया। आदेश कुमार सिंह, महादलित परिसंघ राष्ट्रीय का ब्रज क्षेत्र का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज वाल्मीकि आश्रम ट्रस्ट में जिला कार्यकारिणी का गठन का प्रोग्राम हुआ था। इस प्रोग्राम में कुछ पदाधिकारियों का चयन हुआ और उनका मनोनयन पत्र में वितरण किया गया, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष आजाद सिंह जी और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वजा जी और महानगर अध्यक्ष रंजीत सिंह जी और महासचिव श्री पारस जी, इन सभी का जो है परिसंघ में हम स्वागत करते हैं। और महादलित परिसंघ पूरे भारतवर्ष में जो है कार्यरत है पिछले कुछ वर्षों से, और समाज के जो विभिन्न उपनामों से पूरे भारतवर्ष में जो रह रहे हैं उनको सभी को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा है। और दलित समाज में जो दलित है ऐसे लोगों को हम लोग महादलित कह रहे हैं, और इन महादलितों को एकत्रित करने का जो है ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और हर जिले में जिला कार्यकारिणी जो है गठित की जा रही है। इस संगठन के माध्यम से शिक्षा, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्र में जो है अपना कार्यक्रम जो है समय समय पर करते रहते हैं, और अपने इतिहास को जानकर समाज के लोगों में पहुंचा रहे हैं। बाबा साहेब फूले अम्बेडकर विचारधारा को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और समाज को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज महादलित परिसंघ के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी आगरा की दी गई है मुझे, और संगठन ने जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी निभाऊंगा। जैसा कि आपने बताया कि दलितों में भी जो महादलित के नाम से हमारे जो बब्बन रावत जी हैं जो संस्थापक हैं, उन्होंने नाम दिया है, तो जगह जगह हर प्रदेश में उनको अलग अलग नाम और जाति से जाना जाता है। उनको जोड़ना, समाज के प्रति बाबा साहब के मिशन को चलाना, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, इस तरह के जो कार्यक्रमों को चला के संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा, और तो समाज की जहाँ भी कोई पीड़ा परेशानी होगी उसमें आगरा का जिला और महानगर दोनों मिलकर के काम करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आज आगरा में आगरा वाल्मीकि प्रांगण में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, माननीय बब्बन रावत जी के आदेश अनुसार मथुरा से हमारे चल करके आए इंजीनियर ए के सिंह जी के द्वारा आगरा की जो नव गठित टीम जो की गई है महादलित परिसंघ राष्ट्रीय की, उसके जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, महामंत्री नियुक्त किए हुए हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, और मैं रंजीत सिंह वाल्मीकि महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। तो ये जो प्रोग्राम आज मंदिर प्रांगण में जो हुआ है वो बब्बन रावत जी के आदेश अनुसार हुआ है। काफ़ी संगठन आगरा में पहले से चल रहे हैं, उस संगठनों के बीच में नए संगठन का यहाँ उद्गार हुआ है, क्या परिवर्तन पैदा कर पाएंगे? परिवर्तन जो हमारे माननीय बब्बन रावत जी का जो है वो शिक्षा की ओर ले जाने का है। आगरा में जो अन्य दल जो चल रहे हैं वो अपने जिस भी प्रोग्रेस से चल रहे हों, प्रयोजन से चल रहे हों, हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा हमारा कि समाज के प्रति लोगों को जागरूक करने का, शिक्षा दे, और राजनीतिक गैर राजनीतिक वो हमारा ये संगठन है।